न्यूज़ चैनल में आप जाओगे तो आप देखोगे कि हम लोग बात करेंगे टेररिज्म के बारे में, मर्डर के बारे में, लेकिन द नंबर ऑफ वन एंड टू कॉजेज ऑफ डेथ इज कैंसर एंड हार्ट डिजीज. But the media percentage share of how much they talk about this is very low because healthy eating and exercise is not a catchy headline. Yeah. So the catchy headline is not कि अच्छा आपको package घुमा के check करना चाहिए कि इसमें है क्या. That is not catchy. Catchy is कि यहाँ को ये हो गया वो हो गया. So it's not spoken about as much. So I thought कि this is a very good place. And I honestly, even though I've been working and like you know this one video got viral, but I've been working इसमें आठ नौ साल से मैं एक जब मैं 22 साल का था मैं किताब लिखा था एक सेल्फीनॉमिक्स. ओके. उसमें एक चैप्टर थी जिसमें खाली यही था कि फूड लेबल कैसे पढ़ते हैं. एंड मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि 21st सेंचुरी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी कैन लर्न इज हाउ डू यू रीड अ फूड लेबल. और मैं मानता हूँ मैं काफ़ी गाली भी खाता हूँ कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इवन लर्निंग हाउ टू कोड. लोग बोलते हैं ना कोडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21st सेंचुरी में. बट जो हम खा रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ बन रही है, सेहत बन रही है, अगर वो ही नहीं जानते हैं आप कैसे, तो कोडिंग का क्या करोगे. True. और ये बहुत नई प्रॉब्लम है. मतलब आप अगर हजारों साल की हिस्ट्री देखोगे, आप कोई भी बुक पढ़ोगे सेपियंस या कोई भी बुक पढ़ोगे, तो उसमें देखेंगे कि पैकेज्ड फूड काफ़ी लास्ट खाली 100 साल से अप्रॉक्सीमेटली है. तो इसमें ना ही भी उतना वेरी इंटेंस रिसर्च भी नहीं है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और लोग खाली ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट्स को, जो सेलिब्रिटी बोल दिया तो अच्छा सही है. तो हाँ, उसके बारे में मैं वीडियोस बनाने लग गया और यही काइंड ऑफ मेरी शॉर्ट बैकग्राउंड. और मैं इतने लोग को जानता हूँ जिम जाते हैं बॉडी वॉडी बनाने और फिर जिम के बाद गेटरेड पीते हैं जो उसमें चीनी इतना भरती रहता है. और भी बहुत सारे इतने प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते रहते हैं अपनी चीज़ में. तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उन लोग तो एनी वे प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, बट जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो हेल्दी फूड ढूंढ के खाते हैं, वो भी मतलब बेवकूफ़ बन रहे हैं. तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा इशू है. और मुझे कोक और सिगरेट से प्रॉब्लम है, लेकिन कम प्रॉब्लम है क्योंकि लोग जो कोक और सिगरेट पीते हैं उनको पता है कि वो ख़राब है और वो फ्रीली चूज़ कर रहे हैं. तो फ्रीडम ऑफ चॉइस आप चूज़ कर रहे हो, उसमें पैकेज में लिखा हुआ है कि यू नो वार्निंग इट कॉजेस कैंसर, एंड आप चूज़ कर रहे हो. और आप कोक प्रॉब्ली हफ्ता में एक बार पीते हो. बट बॉर्नविटा टाइप की ड्रिंक्स, जो मैं शायद से मुझे टॉपिक लाना नहीं चाहिए था, बट वो आप बच्चे दिन में 2 बार पी रहे हैं, समझ रहे हो आप. तो हफ्ते में हम 14 बार 14 बार बॉर्नविटा पी रहे हैं और एक बार कोक. तो द नेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स इज मच मोर देन कोक. इवन दो अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे ओबेसिटी का, उसमें फोटो आएगा कोक का. बट कोक के कारण हो रहा है. मैं कोक को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता. मैं बहुत वीडियोस बनाया हूँ और मैं कोक से भी गाली खाता हूँ. बट ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है द सो कॉल्ड हेल्दी प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो हम ज़्यादा रेगुलरली कंज्यूम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक आई मीन द That's the elephant in the room that you did, Bonvita. क्या करा Bonvita के बारे में, क्या वीडियो बनाया और क्यों बनाया? So, मैं जो वीडियो बनाया था Bonvita में, मैं खाली ये दिखाया था कि फ्रंट में वो लिख रहे हैं तैयारी जीत की, स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग बोन्स, इम्यून सिस्टम और काफ़ी और चीज़ बोल रहे हैं. और अगर आप बैक पैकेज में देखोगे तो आउट ऑफ 100 grams अप्रॉक्सीमेटली 50 grams इज शुगर. और भी बहुत सारे चीज़ हैं, माल्टोडेक्सट्रिन और काफ़ी और मतलब चीज़ हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होता है. तो वही मैं बस एक सिंपल वीडियो था, मैं वो वीडियो बनाया और मैं सरप्राइज था कि इतना लोग को पता नहीं था और उसी लिए बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. और लोग इंस्टाग्राम में 12 मिलियन व्यूज़ आए, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने शेयर की, परेश रावल ने शेयर की, कुछ क्रिकेटर्स ने शेयर की. और मेन इंस्टाग्राम से ज़्यादा व्हाट्सएप में वायरल हुई. मैं वीडियो बनाया था इंग्लिश में, लेकिन लोग हिंदी ट्रांसलेशन, मराठी ट्रांसलेशन और अलग अलग लैंग्वेजेस में शेयर करने लग गए और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. और फिर ऑफ कोर्स कंपनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा कि आप वीडियो हटाओ. कौन सी कंपनी? Bonvita के पेरेंट कंपनी ने. और एक लॉयर के थ्रू आया था वो, एक बड़ा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म्स के थ्रू एक लीगल नोटिस आया था, अबाउट 12-13 पेज का डॉक्यूमेंट. उसी कभी पेरेंट कंपनी Mondelez, सो उनसे आया था. और वो मैं बाद में बात करूंगा, बट वो एक लीगल नोटिस आया, मैं वीडियो हटा दिया. और हमें एक उन लोग ने बोला अपॉलॉजी डालने, मैं अपॉलॉजी डाल दिया एक सिंपल सा. और उसमें फिर और वायरल हो गया क्योंकि सब तब अभी तक तो लोग बात कर रहे थे, फिर मीडिया बात करने लग गए. आज तक NDTV कोई भी हम न्यूज चैनल देख लो 9 PM मतलब कोई मतलब एकदम. और ये उन लोग के कारण, लाइक मैं तो उन लोग जो बोले मैं कर दिया. उन लोग ने बोला कि ये जो मैं वीडियो बनाया वो साइंटिफिक नहीं था. तो फिर क्या हुआ, एक जो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के बॉडी, और मैं
रैंडमली आके एक प्रॉपर एक लंबा सा डॉक्यूमेंट दिए और यू नो 10-12 न्यूट्रिशनिस्ट का सिग्नेचर थे और उन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो को सपोर्ट किया. एंड फिर आउट ऑफ नोवेयर गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया और उन्हें नोटिस भेजा कि अपना पैकेजिंग हटाओ. तो अब ये सब कुछ हुआ है लास्ट विद इन थ्री वीक्स के टाइम स्पेन में. तो आप ये इमेजिन करो, एक मिनट का इंस्टाग्राम रील से ये सब कुछ हो गया और उन्होंने मुझे नोटिस भेजा और गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा. इट वॉज काइंड ऑफ क्रेजी. मैं कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसा कुछ होगा. एंड मुझे जो लेवल ऑफ पब्लिक सपोर्ट मिली है, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीडिया सपोर्ट, लोग बोलते थे कि मीडिया तो उंगलों का ही होता है क्योंकि उंगलों की एड दिखाते हैं. मुझे प्रोडक्शन तो उंगलों कभी दिखाए सपोर्ट नहीं करेंगे. मीडिया भी मुझे सपोर्ट की.